नमस्कार प्यारे बच्चों, देखिए आज हम हिंदी का अपना प्रश्न उत्तर करेंगे। हमने पार्ट दो के प्रश्न उत्तर पहले ही क्लास में डिस्कस कर लिए थे, पर आज हम दोबारा से कर रहे हैं। इनको आपने अपने कॉपी पर लिखना है, पार्ट नंबर दो और पार्ट नंबर तीन। तो सबसे पहले देखिए, मैंने डेट मेंशन की है, आपने भी डेट लिखनी है एक साइड में, और दूसरी साइड हमने दिन लिखना है। तो आज क्या दिन है? बुधवार। सबसे पहले पार्ट दो, पार्ट का नाम ठीक काम करें, प्रश्न उत्तर। उसके बाद आपने हेडिंग एक लिखनी है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। उसके बाद प्रश्न नंबर पहला, सड़क पर छिलका किसने फेंका था? ये हम पहले भी बता चुके हैं, डिस्कस भी कर लिया है। सड़क पर छिलका गीता ने फेंका था। उसके बाद आपने एक लाइन को छोड़ देना है, जैसे हर बार मैं बताती हूँ, एक लाइन का गैप करना है। उसके बाद प्रश्न नंबर दो लिखना है, राजू की अंगुली में क्या चुभ गया था? प्रश्न के पीछे क्वेश्चन मार्क, प्रश्न वाचक चिन्ह जो होता है, क्वेश्चन मार्क ये ज़रूर लगाना है। जब उत्तर आएगा तो हमने डंडी का प्रयोग करना है। तो इसका उत्तर है, राजू की अंगुली में कांटा चुभ गया था। अगर था है तो पीछे आपने था लिखना है, अगर है तो फिर आपने उत्तर भी है में ही देना है। प्रश्न नंबर तीन, इससे पहले फिर एक लाइन छोड़नी है आपने। प्रश्न नंबर तीन, बगीचे में क्या तोड़ना मना था? बगीचे में फूल तोड़ना मना था। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़नी है। प्रश्न नंबर चार, बूढ़ा बाबा किस फल के छिलके से फिसला? बूढ़ा बाबा केले के छिलके से फिसला। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़नी है। और प्रश्न नंबर पाँच, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? इस पाठ से हमने सीखा या हमें सीख मिलती है कि गलत काम का गलत नतीजा होता है। तो ये पार्ट दो के प्रश्न उत्तर थे जो हमने पहले भी डिस्कस कर लिए थे। अब हम अगला पार्ट करेंगे, पार्ट नंबर हमारा है तीन। अब आप देख सकते हैं ये प्रश्न पार्ट नंबर तीन के हैं। जब आपका पार्ट दो के ख़त्म हो जाए, उसी पेज के नीचे शुरू नहीं करना, उससे अगले पेज पर हमने काम शुरू करना है। फिर डेट लिखेंगे, दिन लिखेंगे, पार्ट नंबर तीन, दादी का गांव, पार्ट का नाम, फिर प्रश्न उत्तर। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। अलग अलग पेज पर ही आएगा, जब पार्ट दो ख़त्म होगा तो अगले पेज पर पार्ट तीन शुरू होगा, उसके नीचे से शुरू नहीं करना बेटा। तो चलिए प्रश्न नंबर एक, गांव में क्या आ गई है? कल हमने पढ़ा था गांव में बिजली आ गई है। अब इसमें इसके बाद एक लाइन छोड़ देना, उसके बाद प्रश्न नंबर दो को शुरू करना है। उसके बाद गाँव में क्या नहीं जाती है? आपको पता है गांव में क्या नहीं जाती है? रेलगाड़ी। तो इसे हम लिखेंगे, गांव में रेलगाड़ी नहीं जाती है। बसें पहले नहीं जाती थी, पर बसें अब जाने लगी हैं, पर रेलगाड़ी अभी भी नहीं जाती है। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ देनी है। प्रश्न नंबर तीन, ठंडी हवा क्या दूर कर देती है? जब खेतों में आदमी और औरतें काम करते हैं, थक जाते हैं, तो ठंडी हवा उनकी क्या दूर कर देती है? थकान। तो हमने पहले सेम लिखना है, ठंडी हवा थकान दूर कर देती है। उसके बाद है, फिर एक लाइन छोड़नी है। प्रश्न नंबर चार, पेड़ों पर पंछियों के क्या हैं? पेड़ों पर पंछियों के घोंसले हैं। आपने ये बिंदी का ध्यान ज़रूर करना है, जब आप प्रोनंसिएशन करेंगे तो आपको पता चलेगा हैं और है में बिंदी नहीं होती, हैं जब आता है तो बिंदी आता है, घोंसले घों घों, तो जब आप बोलेंगे तो उसके साथ बिंदी का प्रयोग ज़रूर होगा। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ देनी है आपने। नंबर पाँच है, लड़के लड़कियाँ पाठशाला में कब पढ़ते हैं? तो उत्तर है इसका, लड़के लड़कियाँ पाठशाला में दिन में पढ़ते हैं। रात को तो बड़े लोगों को पढ़ाया जाता है जो पढ़े लिखे नहीं है, पर जो लड़के लड़कियां हैं पाठशाला में दिन में पढ़ते हैं। तो आज आपने इनके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं बेटा, दोनों पाठ के, ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू।